शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 23। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 23। और दाऊद को यह समाचार मिला कि पलिस्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं जाकर पलिस्तियों को मारूं। यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिस्तियों को मार के किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम किला जाकर पलिस्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे। तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर किला को जा, क्योंकि मैं पलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किला को गया और पलिस्तियों से लड़कर उसने पशुओं को हाक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यो दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया। अब अहीमलेक का पुत्र एब्यातार दाऊद के पास किला को भाग गया था, तब हाथ में एपोद लिए हुए गया था। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद किला को गया है और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है, वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि किला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने एब्यातार याजक से कहा, एपोद को निपट लिया। तब दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण किला नगर नाश करने को आना चाहता। क्या किला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाऊल आएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ वे कर देंगे। तब दाऊद और उसके जन जो कोई 600 थे किला से निकल गए और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद किला से निकल भागा है, तब उसने वहां जाने की मनसा छोड़ दी। तब दाऊद तो जंगल के गड्ढों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नाम जंगल में रहा और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है। और दाऊद जीप नाम जंगल के होरेश नाम स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा और तू ही इस्राएल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रहा और योनातान अपने घर चला गया। तब जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे पास होरेश के गड्ढों में अर्थात उस हकीला नाम पहाड़ी में छिपा रहता है जो यशीमून के दक्षिण की ओर है। इसलिए अब हे राजा, तेरी जो इच्छा आने की है तो आ, और उसको राजा के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम होगा। शाऊल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने मुझे दया दिखाई है। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो और देख भाल कर जान लो और उसके अड्डे का पता लगा लो और बूझी कि उसको वहां किसने देखा है, क्योंकि
किसी ने मुझसे कहा है कि वह बड़ी चतुराई से काम करता है, इसलिए जहां कहीं वह छिपा करता है उस स्थानों को देख देख कर पहचानो, तब निश्चय करके मेरे पास लौटाना और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और यदि वह उस देश में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हजारों में से ढूंढ निकालूंगा। तब वे चलकर शाऊल के पहले जीप को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत आमोन नाम जंगल में चला गया था जो अरावा में यशीमोन के दक्षिण की ओर है। तब शाऊल अपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतरकर अम्मोन जंगल में रहने लगा। यह सुन शाऊल ने माउन जंगल में दाऊद का पीछा किया। शाऊल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था, और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था, और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला आ, क्योंकि पलिश्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुनकर शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर पलिश्तियों का सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सेलाह हम्महलकोत पड़ा। वहां से दाऊद चढ़कर एनगदी के गढ़ों में रहने लगा।